मैं आपके साथ हूँ। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी guys सुबह के 7:30 बज रहे हैं। व्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दी, ये हो जाएगा अपलोड। फिलहाल चलते हैं अब बाहर घूमने के लिए ओरियो के साथ में, और आज हम जाने वाले हैं कहीं दूर ओरियो को लेके, बिकॉज बाहर घूमूंगे बोर हो गया। तो मैं और निर्मल भैया जाने साइड रोड पे, उस तो उठे नहीं है, तो ओरियो को लेके चलते हैं अभी जल्दी। इसको मैं शेड्यूल पे लगा के चले आता हूँ, 8 बजे अपने अपलोड हो जाएगी। चले ओरी, चले। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग पापा जी, झाड़ू लगा रहे हैं, मम्मी पोछा। चलो तो अभी हमने ओरियो को भी कपड़े डाल दिए। अभी मम्मी की इतनी खतरनाक वाली डांट खा के आया हूँ ना मैं। मम्मी कहती ओरियो को नहीं भेजती, इतनी मुश्किल से ओरियो को लेके आया हूँ मैं, लेकिन बहुत डांट खाई लिटरली, बहुत ज्यादा। मम्मी पता नहीं ओरियो को भेजती नहीं है मेरे साथ में। ओरियो को भी तो घूमना चाहिए, सारा दिन घर में रहता है वो, 1-2 घंटे घूम के आ जाएंगे। भाई तुम्हें सामने तो पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। उधर रहना। तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले निर्मल भैया के पास में उनके घर पे, फिर उनको साथ में लेके चलेंगे, वो गाड़ी चला लेंगे, मैं ओरियो को पकड़ लूंगा। अभी तुम्हें आराम आराम से चला के जा रहा हूँ, यहीं पास में उनका घर। तो निर्मल भैया घर तो पहुंच गया, उनका वेट कर रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। इतने अपन ओरियो घुमा लेते हैं, ये नीचे कुछ करना है तो कर लेगा, और ये कुछ करना तो कर ले। गुड मॉर्निंग, अंदर चलो चलो। तो अभी जाने से पहले पेट्रोल भरवा लेते, पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। लो फुल कर देना। यहाँ पे धूप आ गई, थोड़ा घूम लिया हमने, थोड़ा ड्रोन उड़ा लिया जो कि आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं, कुछ खाने का नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मस्त धूप आ गया, मौसम खुल गया, लेकिन घर की साइड देखेंगे, क्योंकि पहाड़ों में तो धूप आ जाती है, हमारे घर की साइड धूप नहीं आती। एक काम करें, कल कहीं और चलेंगे यार, मैं ना थोड़ा जल्दी फ्री नहीं होता, मेरे को 4 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं। मैं 4 बजे उठ गया था। ओरियो के साथ जाने के लिए एक जना ओरियो को पकड़ने वाला चाहिए और एक जना गाड़ी चलाने वाला। चलो इधर वाली सीट पे जाता हूँ, बाय। तो निर्मल भैया को घर छोड़ दिया है, अब चलते हैं अपने घर। नहीं, वो घर भी निर्मल भैया का ही है। जब ओरियो के साथ होता ना मैं, तब जाता हूँ बिल्कुल 10 की स्पीड पे, बिल्कुल स्लो। देखो यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है। चलो तो भी गाइस घर पहुंच गए हैं, पीयूष यहाँ पे खाना खा रहे हैं, अम्मा अब यहाँ बैठे हैं, मम्मी यहाँ पे ओरियो खाना दे रही है। बाय द वे आज है 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ पे भी सभी के सभी परेड देख रहे हैं। तो भी गाइस दिन के 2 बज चुके हैं और हम तीनों भाई अब जाके फ्री हुए हैं, क्योंकि क्लास हो चुकी है, साहिल भी रेडी हो चुका है खाना पीने खा के, मैंने भी खाना खा लिया है, अब जा रहे हैं बाहर कहीं डोलने के लिए। सीट को धक्का दो, चलना कहाँ है? चलो कहीं तो चलेंगे। जय माता दी। तो भी गाइस पुलिस ने रोक लिया हमको, क्योंकि एंट्री करानी है, पता नहीं किस चीज़ की एंट्री। हम जा रहे थे गोलापार, तो अभी साहिल गया एंट्री कराने के लिए, मैं तो बाहर जा नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं चला गया तो फिर भीड़ हो जाएगी। अभी साहिल गया, मेरे को डर लग गया एकदम से, पुलिस ने रोक लिया भाई। मतलब क्या हो गया भाई, हमने क्या कर दिया? सुकई से भी सरदा बाहर चले गए, बिकॉज जो वो थे ना, वो सरदा के सब्सक्राइबर थे लिटरली। वो चीजें सरदा ने कहा, हाँ जी साहिल तो गए हैं क्योंकि बाहर, सरदा ने कहा हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि एक बार बाहर जो फोटो खींच दिए, सब्सक्राइबर है। वाह, अभी बाहर गए हैं वो, करा ली एंट्री, भाई सब्सक्राइबर निकले वो भी। फोटो खींचनी है, मेरे को कह रहे, मेरे को पर्सनली कह रहे बाहर आओ बाहर आओ, मैं मुझे क्यों बाहर आओ कह रहे, कह रहे फोटो लेनी है। तो इस पुल पे एंटर करने के लिए हमको एंट्री करानी पड़ी, शायद इलेक्शन का टाइम है इसलिए, लेकिन जब पुलिस वाले रोकते हैं ना, डर तो लगता ही है, एकदम डर लगता है भाई, क्यों रोके भाई, हमने क्या कर दिया। तो अभी भाई जाम में फंस चुके हैं, इधर की तो गाड़ियां निकल रही है सारी, पोपट ही पोपट। जो ये वाली पुल है ना, इस पे हमेशा जाम लगता है, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम यहाँ से जाते हैं, ये मैं पुल जरूर दिखाता हूँ आपको। जाम का फायदा उठा के सब्सक्राइबर आते हुए, हाय क्या हाल चाल? हेलो भैया, बढ़िया। हम कब से ढूंढ रहे थे आपको, आपको हमने अपने जाम में देखा भी आपको। थैंक यू भैया। ओके बाय। थैंक यू। क्या भाई, गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खींच सक रही, और मैं यहाँ पर बोरियत का शिकार होते हुए। यार ये बाइक स्कूटी वालों का सही है, निकाल लेते हैं। पुल से तो निकल गए, बट फिर भी जाम लगा हुआ है। तो अभी हम तीनों भाई एक मस्त जगह पे आए हैं, ये देखो, जहाँ हम सुबह गए थे ना वो अलग जगह, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे तो लोग पिकनिक मना रहे हैं, टेंट वेंट लगा रखा है, वो देखो वहाँ पे टेंट लगा रखा है। सीट बेल्ट लगाओ भाई, किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई भाई, सीट बेल्ट लगाओ जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई। सो गाइस अभी हम वापस घर जा रहे थे, और अभी तीनों को हमको भूख लग रही थी, तो सरदा ने कहा था कि छोले कुलचे खाएंगे, मैंने कहा कि मैगी खाएंगे, बट सैलदा ने कहा कि बर्गर खाएंगे। तो
यहाँ से बर्गर किंग सबसे पास है तो हमने सैल लगा चूज करा। चलते अभी बर्गर किंग। यहाँ पे ड्राइव थ्रू है लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस सीन ऐसा था, मेरे पास कैमरा था ना मेरे हाथ में, इसलिए मॉल के अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए हम ड्राइव थ्रू से ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी पैदल जाके। गाड़ी हमारी बाहर ही खड़ी है, मॉल के अंदर घुसने नहीं दिया। देखो जब फोन से व्लॉगिंग करता था तब कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी मॉल में ले जाओ कहीं भी शूट कर लो, लेकिन अब कैमरा हाथ में रहता है ना तो मॉल में नहीं घुसने देते, कई जगह पे घुसने देते, कैमरा नोटिस होता है, कैमरा अलाउ नहीं होता ना। तो अभी हमको यहाँ पे स्विगी और जोमेटो वाले भैया मिले, हम इनसे डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज हमारा जो घर है ना वो हल्द्वानी थोड़ा बाहर की साइड है, तो वहाँ पे ना जोमेटो स्विगी से मैंने देखा बर्गर किंग का ऑर्डर होता ही नहीं है, तो ये कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि तुम्हारा ऑर्डर कर देंगे। तो भैया कह रहे हैं तुम मुझे बताना, मैं पर्सनली तुमको देके जाऊंगा। स्विगी पे बिल्कुल चले बढ़िया, थैंक यू भैया। सो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, बाहर से लेना पड़ा, ड्राइव थ्रू से लेना पड़ा, लेकिन ठीक है मिल गया। लेकिन अब गाड़ी में बैठ के खाना पड़ेगा हमको। लो केचप, केचप सिर्फ आपको पसंद है। तो बर्गर तो खा लिया है, अभी हम जा रहे हैं घर पे। लेकिन वो जोमेटो वाले भैया ना इतने स्वीट थे ना, कह रहे थे तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी आ जाऊंगा, जबकि हमारे घर तक ऑर्डर नहीं आता है जोमेटो में, क्योंकि दूर है ना काफी, कह रहे थे तुम फोन कर देना बस मैं ले आऊंगा, ये स्वीट थे ना यार। तो भैया फिर से पुलिस ने रोक लिया, आज तीन बार रोक लिया हमको, शायद इलेक्शन है ना इसलिए चेकिंग वैकिंग हो रही है, यहाँ पे जाम लग गया भाई। तो एक बहुत फनी सीन हुआ, पुलिस वाले ने हमको रोका और गाड़ियों को भी रोका, जिन गाड़ियों को रोका ना उसमें से सारे लोग निकल गए भाई, सारे मेरे साथ फोटो, जाम लग गया फोटो के चक्कर में। वो कह रहे कर लो गाड़ी चेक कर लो, हम तो उनके पास जा रहे जाओ, जाओ, जाओ। भाई ये अलग ही सीन हो रहा है भाई, फिर हमको निकलना पड़ा, कुछ ही फोटो ले पाया मैं आज। मेरे को तीन बार डर लगा खतरनाक वाला, तीन बार पुलिस ने रोका ना आज। एक्चुअली इलेक्शन आ रहे ना तो वो चेक कर रहे गाड़ी में कुछ मतलब है तो नहीं। घर पहुंच चुके हैं और मजा आ गया आज तो बर्गर खा के। क्या क्या, क्या? मजा आ गया यार, मतलब किसी हाँ। इतना भारी कैमरा तो उठा कैसे रहा है वो, मेरे को ही नहीं पता, दर्द हो गया इतने भी हाथ में। तुम गाइस देखो कैसे उठा रहे हैं, मेरे को भी याद है, देखो ऐसे व्लॉगिंग कर रहा है इतने भारी कैमरे से, डंबल मारो इससे 10 उठ के। ओ भाई पता है कितने का सेटअप है ये, 150 रुपया। ऐसे कर रहा ना यहाँ से, ये वाली उंगली डाल दो तो थोड़ी ग्रिप बन जा रही है, ऐसे करके भी नहीं गिर रहा। कैमरा दे यार तू, कैमरा, कैमरे का डर लगता है मुझे, चाबी नहीं कैमरा दे। ओलू ओलू सादा आ गए हैं, उधर ही सेल है ही नहीं इसमें, कितने का था एक सेल? एक सेल आप दे दो मेरे को, 100 का नोट दे दे, बाकी 40 रुपए, 40 रुपए दे दूंगा तेरा ले भाई, उसमें नट है वो मैं खेलूंगा। तो आज हम खेलेंगे एयर हॉकी, उसमें सेल नहीं है, सेल लेके आ रहे हैं उसके बाद खेलते हैं। सेल तो ले आया, ये देखो ये 6 सेल मेरे काम के लिए लाया, और ये बचे 20 रुपए और ये रहा 5 का सिक्का। ठीक गुड बाय। सो गाइस तो अभी सेल और मेरा मैच हो चुका है, अब सेल ना सौरदा को चैलेंज कर रहा है कि तू मेरे को हरा के दिखा दे, आओ सौरदा मैं आपके साथ हूँ। भाई भाई मैं दराड़ देख सकते हैं आप, धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 तेरा ना तेरा। तो अभी गाइस 5-5 हो गए दोनों के, दोनों बराबर चल रहे हैं अभी तक, तो देखते हैं कौन जीतता है। साहिल को सिर्फ एक करना है, मेरे को 3 करने हैं, अरे यार हार जाऊंगा अब तो। ओ ओ एक एक, दोनों के 8-8 हो गए गाइस, गाइस दोनों के 8-8 हो गए हैं, अब जो पहले एक करेगा वो जीतेगा, देखते हैं साहिल या मैं कौन जीतता है। अब घमासान युद्ध होने वाला है, चलो भाई देखते हैं कौन जीतता है। मैं ना जानबूझ के हारा हूं, मुझे पता है मैं जानबूझ के आ रहा हूँ, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। तो अभी गाइस हम देख रहे थे हमारा पुराना व्लॉग 365 व्लॉग वाला, तो इतना अच्छा लग रहा है इसको देख के कि मतलब कितनी मेहनत करी हमने स्टार्टिंग में, 1 साल तक डेली व्लॉगिंग की। और बिलीव नहीं रहना, बिलीव नहीं रहना हमने ये कर दिया है ना। तो गाइस ये वाली वीडियो जरूर देखा, जिसने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमने इतनी सारी वीडियोस बना दी है अभी तक। मतलब पीयूष को देख के, पीयूष स्टार्टिंग में कितना छोटा सा बच्चा था, मतलब 1 साल पहले तक मैं व्लॉग में देख रहा हूँ और अब कितना बड़ा सा हो गया ये भाई, अपनी सारी मेमोरीज कलेक्ट है, सॉरी मतलब 2 साल से डेली की डेली सारी मेमोरीज कलेक्ट है हमारी, कि आज बड़े मैंने क्या करा था, आज आपने क्या करा था, कल क्या करा होगा, सब कैप्चर हो रखे हैं। क्या क्या हमने लिया था, कौन सी हरकतें की थी, कहाँ घूमने गए, क्या अभी जब मैं बड़ा हूँगा 20-25 साल का हूँगा तब देखूंगा इसको भाई कैसा लगेगा, तब तो कैसा लगेगा यार, रियल तो उसमें मजा आएगा जब बड़े हो जाएंगे ना भाई, तब देखेंगे भाई कैसी हरकतें करते थे क्या करते थे। ऑलरेडी इसमें 7 मिलियन व्यूज है, तो आप देखना जिन्होंने नहीं देखी है। तो सुबह तो फिलहाल डिनर करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास डिनर में रोटी, मैक्रोनी,
एंड ये सब्जी है नटेला की। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस ऐसे बाहर गए थे, सुबह भी गया था और एक साथ में फिर पीयूष सर के साथ में गए थे। एक्चुअली भी उसकी क्लासेस भी चल रही है ना, सुबह भी शाम को भी, तो उस वजह से भी मतलब वो मैं सोच रहा हूँ कि वो उस पर ज़्यादा फोकस रहे क्योंकि जल्दी उसको एडमिशन मिल जाए, फिर उसकी स्कूल प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा ना। तो बस वही है, बाकी जो भी है हमारा प्लान भी है वैसे तगड़े तगड़े, वो देखना। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा खेल रचा के